हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को इंडियन आर्मी ने जारी करी आरएफआई। आज निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का किया गया है परीक्षण। AK-203 राइफल्स की सभी टर्म्स को कर लिया गया है फाइनलाइज। अब रशिया को है भारत के अगले कदम का इंतजार। SCO-NSC मीटिंग में पाकिस्तान को फिर से होना पड़ा शर्मिंदा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करी INS विक्रांत की फाइनल प्रिपरेशन की समीक्षा। जैसे कि संभावना थी उसी के अनुसार ऐसी कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, जिनके मुताबिक आज ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से DRDO द्वारा निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया है। ये जो टेस्ट है ये आज सुबह करीब 10:45 पर हुआ था। हालांकि जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल अभी ये कन्फर्म नहीं है कि आज जो निर्भय मिसाइल टेस्ट की गई थी क्या वो स्वदेशी इंजन के साथ थी या नहीं, और न ही अभी तक इस टेस्ट के बारे में DRDO की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। और DRDO के ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ही आज के इस निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा हमारे डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इकोनॉमिक टाइम्स के सीनियर एडिटर मनु बबे की तरफ से AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर एक नई जानकारी जारी की गई है, जिसमें रशियन ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि अमेठी फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को फाइनलाइज कर दिया गया है। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करने के लिए रशिया को भारत के अगले कदम का इंतजार है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्नेस फैक्ट्री बोर्ड की जो निगमीकरण वाली ऑनगोइंग रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, तो इस प्रोसेस का AK-203 राइफल्स के प्रोडक्शन के लिए जो जॉइंट वेंचर बनाया गया है उस पर किसी भी तरह का असर ना पड़ने की उम्मीद है। बाकी एक कम्प्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 32 महीनों के अंदर हासिल करने की भी उम्मीद जताई गई है। और इकोनॉमिक टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस राइफल से जुड़ी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आज गुरुवार को इंडियन आर्मी की तरफ से 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICVs को खरीदने के लिए भी RFI जारी की गई है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही इन FICVs को लिया जाएगा और इंडियन आर्मी इन व्हीकल्स को डेजर्ट और एम्फीबियस टेरेन के साथ ईस्टर्न लद्दाख जैसे प्लेसेस पर डिप्लॉय करेगी। आपको बता होना चाहिए कि जो ये FICV प्रोजेक्ट है इसकी भी योजना काफी लंबे समय से चल रही थी और आर्मी को इसके तहत ऐसे व्हीकल्स चाहिए थे जो हमारे इन्फेंट्री ट्रूप्स को कैरी करने के साथ साथ दुश्मन के टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी रखते हों। और इस FICV वाली RFI का जवाब देने की जो आखिरी तारीख है वो 31 अगस्त 2021 तक है। जारी की गई RFI के मुताबिक इंडियन आर्मी ने FICV के 3 तरह के वर्जन के लिए कहा है, जिसमें एक है FICV का गन वर्जन, एक है कमांड वर्जन और एक है कमांड एंड सर्विलियंस वर्जन। जो FICV का गन वाला वर्जन है वो 55% टोटल क्वांटिटी में लिया जाएगा, जो कमांड वर्जन है वो 20% टोटल क्वांटिटी में, और जो कमांड एंड सर्विलियंस वर्जन है वो 25% की टोटल क्वांटिटी में लिया जाएगा। इन FICVs में भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ लगने वाले प्लेन और डेजर्ट टेरेन और भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर जिसमें ईस्टर्न लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर और नॉर्थ सिक्किम है, इनके साथ 5000 मीटर की ऊंचाई तक माउंटेन टेरेन पर भी ऑपरेट करने की इनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि इन्हें दिन और रात कैसी स्थिति में ऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा इनमें दुश्मन के टैंक्स, उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और अदर ग्राउंड बेस्ड वेपन प्लेटफॉर्म्स से उनके पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होनी चाहिए। और साथ ही CBRN एनवायरनमेंट के साथ साथ इसमें क्रू मेंबर्स और ट्रूप्स की सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम होने चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि इन व्हीकल्स की जो सर्विस लाइफ है या यूं कहें इनकी जो ऑपरेशन लाइफ है वो कम से कम 32 सालों तक होनी चाहिए। बाकी अगर बात करें हथियारों की तो इसके तीनों अलग अलग वर्जन यानी कि गन वाला वर्जन, कमांड वर्जन और कमांड एंड सर्विलियंस वर्जन, इन सभी में एक एक मेन गन तो होनी चाहिए, वो भी एक्सएल मशीन गन के साथ। इसके अलावा जो गन वर्जन है उसमें 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और बाकी के दो वर्जन में 4-4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की कैपेबिलिटी। गन वर्जन में एक मैन पोर्टेबल ग्राउंड लॉन्चर की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और जबकि जो कमांड वर्जन और कमांड एंड सर्विलियंस वर्जन है इनमें लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी रखी गई है। इनकी रफ्तार सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होनी चाहिए और जबकि प्लेन या डेजर्ट जैसे इलाकों पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा और सड़क पर इनकी जो रिवर्स स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी की तरफ से 350 लाइट टैंक्स और 1770 FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए भी RFI जारी की गई थी। और आपको एक क्लियर कर दें कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FRCV और ये फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FICV दोनों अलग अलग हैं। और अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस जानना है तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित की गई SCO-NSA मीटिंग के दौरान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने SCO फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर सभी SCO मेंबर्स से पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक्शन प्लान लाने के लिए आग्रह किया है।
सोर्सेज के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान एनएसए अजय डोवाल की तरफ से लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ एक एक्शन प्लान को प्रस्तावित किया गया था और उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाने पर जोर दिया है, जिसमें एससीओ और एफएटीएफ के बीच का एमओयू भी शामिल है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनएसए अजय डोवाल ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात उस मीटिंग में करी है, जिस मीटिंग में उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मोहित यूसुफ भी मौजूद थे। मतलब एक तरीके से इस मीटिंग में पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा होगा, क्योंकि जिन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है वो सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। और कहां पाकिस्तान ये मान के बैठा था कि भारत के एनएसए अजय डोवाल उनके काउंटर पार्ट से मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कहेंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है, कल जो जम्मू कश्मीर के सोफिया में हमारी फोर्सेज द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो इस ऑपरेशन को लेकर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। और जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को इस बात का अवसर दिया गया था कि वे सरेंडर कर दें, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय फोर्सेस पर फायरिंग करना जारी रखा और फिर जिसके परिणाम स्वरूप उस आतंकी को ढेर करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दो पोल लगाए हैं, जिसमें से एक में हमने आपसे डिफेंस कोर्ट के शॉर्ट्स वाले चैनल के लिए नेम सजेशन मांगा है और दूसरे में हमने आपसे ये पूछा है कि इस डिफेंस कोर्ट के शॉर्ट्स वाले चैनल में आप एक मिनट से कम समय में कौन कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इन पोल्स पर अपना कीमती वोट जरूर दें। और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर 5000 मेंबर्स कंप्लीट होने के साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज। और इससे जुड़ी बाकी की अदर डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दो दिन के कारवार और कोची दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आज सुबह इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट सीवर्ड का एक एरियल सर्वे भी कंडक्ट किया था और इस सर्वे के दौरान उनके साथ इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जो ये प्रोजेक्ट सीवर्ड है, इसके तहत कारवार के वेस्ट कोस्ट में इंडियन नेवी के लिए एक नया बेस बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से बनने के बाद वेस्ट कोस्ट में इंडियन नेवी का सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस भी होगा और यहाँ पे 25 से 30 वॉरशिप्स और सबमरीन्स के एंकर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। और जबकि कारवार ही वो जगह है जहाँ पे नेवी के इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। बाकी इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इस दौरे के दौरान कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के फाइनल प्रिपरेशन की भी समीक्षा की है और उम्मीद तो यही है कि कई सारे डिलेज देखने के बाद INS विक्रांत के जो समुद्री परीक्षण है वो अगले महीने के अंत तक या फिर अगस्त महीने की शुरुआत से शुरू किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है भारत के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये इस साल के अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और अभी जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस दौरान भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का जो कार्य है वो अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक इसे ऑपरेशनल किए जाने की पूरी उम्मीद है। इंडियन आर्मी अपने 155 mm और 52 कैलिबर के टोट गन सिस्टम को पहाड़ी और रेतीले इलाकों से भी आसानी से मूव कराने के लिए करीब 2000 गन टोइंग व्हीकल्स को खरीदने की योजना बना रही है। और जो नई व्हीकल्स लिए जाएंगे ये वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाले क्रैज और स्कानिया जैसे गन टोइंग व्हीकल्स को रिप्लेस करेंगे, जिनका इस्तेमाल मौजूदा समय में 130 mm की रशियन टोड मीडियम गन और स्वीडन की बफोर गन्स को मूव कराने के लिए किया जाता है। और इन व्हीकल्स की खरीद के लिए जारी की गई RFI के मुताबिक इंडियन आर्मी को 6x6 के हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की जरूरत है, जिनमें 20 टन तक के वजन वाली 155 mm की गन्स को टो करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।